हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी के एस यूनियन, जो कि नया मोड आ चुका है बीटा वर्जन में, उसके बारे में। साथ ही जो कि जेडाई कैरेक्टर या जेडी कह सकते हैं आप, जो कि आने वाला था करके मैंने आपको लीक्स में बताया था, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिले क्या वो कैरेक्टर आएगा या नहीं, तो सब कुछ हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एस यूनियन करके जो नया मोड यहाँ पे आया है बीटा वर्जन में, वो आपको ग्लोबली देखने को मिलने वाला है, और वो किस तरह से यहाँ पे कंप्लीट करना है आज के इस वीडियो में आपको बताना। एस यूनियन मोड में कुछ आपको मेमोरी फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, इलाइट स्नाइपर, ट्रेजर अडेप्ट, नीचे वाला देख सकते हैं एक्सट्रीम एडवेंचर, और यहाँ पे सर्वाइवल एक्सपर्ट, और लास्ट में स्विफ्ट अटैकर का। तो यहाँ पे आपको नए नए तरह के यहाँ पे जो भी रंगी बिरंगी कलर्स में आपको मेमोरी फ्रेगमेंट देखने को मिले, तो हर एक के आपको चार मिशन देखने को मिलेंगे, और चार में से कुल मिला के आपको दो मिशन यहाँ पे आपको कंप्लीट करने। कंप्लीट करने के बाद जो भी रिवॉर्ड्स है वो आपको मिलते जाएंगे। किस तरह से आपको रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने और रिडीम का नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली ये वाले जो कि स्विफ्ट देखिए अटैकर का वाला मिशन है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 50 मीटर के रेंज के अंदर आपको बंदा किल करना है, तो यहाँ पे एक कर लिया। साथ ही आपको 2x स्कोप या नीचे वाले 2x स्कोप के जितने भी नीचे वाले स्कोप है उससे आपको बंदा एक किल करना है। तो ये दो मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद देखिए रिडम वाला ऑप्शन आ चुका है, और अगर यहाँ पे आप मैप खोलोगे अपना, तो मैप में आपको देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एक सर मतलब यहाँ पे पॉइंट्स कुछ आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, वहाँ जो कि जगह है वहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे देखिए नज़दीकी मेरा एक टावर है जो कि एस यूनियन टावर है, वो उसके पास आपको जाके आपके रिवॉर्ड्स है वो यहाँ पे आपको कलेक्ट करने के लिए मिलेंगे। तो सिंपली सामने आपको ये देखिए ए वाला टावर देखने को मिलेगा, और जगह जगह पे आपको कुछ पॉइंट्स भी बने, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे टावर्स देखने को मिलेंगे आपके पास। अगर आप मिशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सिंपली ए वाले टावर के पास आ जाना है। आ जाने के बाद आपको जो भी मिशन आपने कंप्लीट किया है वो वाला टावर यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैप में, तो उसके नज़दीक आके आपको रिवॉर्ड से उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद होगा क्या, सिंपली देखिए यहाँ पे कुछ टाइमर चलेगा, और यहाँ पे टाइमर चलने के बाद जो कि आपके लेवल 3 की लूट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही फ्लेयर गन भी मिलती है, एंड में आपको देखने को मिलेगी फ्लेयर गन भी मुझे मिले, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सिंपली आपको देखिए स्विफ्ट अटैकर वाला यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है, साथ ही यहाँ पे नया मिशन के भी कुछ मिशन यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए देखने को मिल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये वाले मिशन एक एक करके मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। तो सिंपली वही उसी तरह के यहाँ पे मिशन है, और यहाँ पे हर एक का नया नया टावर देखने मिला, जो कि यहाँ देख सकते हैं ब्लू वाला टावर यहाँ पे खुल चुका है, जो कि मैंने मिशन कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पे ब्लू वाले टावर के लोकेशन भी आपको दिख रहा है, तो वहीं पर जाना है आपको। और सिंपली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जो कि ग्रीन वाला टावर है, ग्रीन वाले टावर के पास जो कि मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्किप करके दिखा रहा हूँ मैं, तो आपके जो भी टावर मिलेगा वो वहाँ पे आपको जाना है और रिवॉर्ड्स यहाँ पे कलेक्ट कर लेने। तो आप बात कर लेते हैं जेडाई कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था लीक्स में कि भाई जेडाई कैरेक्टर आने वाला है जल्दी, आपको सीजन के 15 में देखने को मिलेगा करके। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जेडाई कैरेक्टर करके आपको कैरेक्टर देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि जेडाई कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कि कोई और कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एस यूनियन करके एक नया मोड आएगा जिसका कुछ यहाँ पे लॉबी में आपको इवेंट्स देखने को मिलेगा, और इवेंट के थ्रू आपको एक आउटफिट देखने को मिल सकता है, जो कि जेडाई कैरेक्टर करके मैंने आपको दिखाया था वो वाला आउटफिट आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो कि इवेंट आएंगे, मतलब ये जब यहाँ पे नया मोड आएगा तब आप उसके रिलेटेड आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे अपने इवेंट सेक्शन में, तो उसके थ्रू आपको वो वाला आउटफिट मिल सकता है, या तो परमानेंट भी मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। जेडाई कैरेक्टर तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला एस यूनियन मोड आपको जल्दी ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलेगा। और ये वाला मोड आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अपकमिंग लीक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर स्टोरी टैब में अपने जो कि लीक्स है वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।